हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक NBFC के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है 5 Star Business Finance। तो ये एक स्मॉल कैप NBFC है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो पहले एक ब्रॉड जर्नी क्या रही है इनकी, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सो ये NBFC 5 Star वॉज फॉर्म्ड इन 1984 एंड ये प्राइमरली इन्वॉल्व था इन टू दी ऑटो लोन्स रिलेटेड थिंग्स लाइक ऑटो फाइनेंसिंग एट्सेट्रा। एंड इसके बाद 2002 में एक टर्निंग पॉइंट आया इस कंपनी में। तो पहले ये कंपनी वॉज इन टू लाइक फाइनेंसिंग ऑटो एंड लो टिकेट साइज लोन्स। एंड देन उसके बाद 2002 में देर वॉज दिस स्मॉल बिजनेस लोन्स थिंग्स वॉज स्टार्टेड आफ्टर द अमलगमेशन ऑफ RKV फाइनेंस, राइट। तो ये नाम आप अभी के लिए नोट करके रखो, आगे मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगा। देन 2006 में अगेन जो स्मॉल बिजनेस लोन्स है अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, जिसको अभी हम लैप कहते हैं, सो लैप इन्होंने स्टार्ट किया। जिसके बाद 2014 में मैट्रिक्स पार्टनर्स, लेकिन इनका भी नाम भी चेंज हुआ मैट्रिक्स पार्टनर्स का, तो वहाँ पे उन्होंने 17 करोड़ की फंडिंग रेज की। एंड उसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी ऑफ पैन इंडिया एक्सपेंशन, राइट। तो जैसे कि पहले ये तमिलनाडु बेस्ड है, तो उसके बाद कर्नाटक, आंध्रा, देन इवन आफ्टर दैट तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, UP, MP, महाराष्ट्र में भी इन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया। देन साइमल्टेनियसली अगेन मैट्रिक्स पार्टनर्स से लगभग 17 के बाद लगभग 16 करोड़ की और फंडिंग आई। उनका जो 5 Star ब्रांड है, लाइक जो कंपनी है, तो उसको अगेन थोड़ा रीब्रांड किया, नाम भी चेंज हुआ इनका। तो पहले 5 Star क्रेडिट था, 5 Star बिजनेस क्रेडिट था, तो अभी 5 Star बिजनेस फाइनेंस इन्होंने अपना नाम किया है। एंड रिसेंटली लगभग इनका IPO भी आया है, एंड कम्प्लीटली द IPO वॉज लाइक OFS ऑफर फॉर सेल था, कुछ फ्रेश इशू इन्होंने यहाँ पे रेज किया नहीं है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो शेयर होल्डिंग के केस में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट, ज़्यादा इनकी होल्डिंग है। लगभग इंडियन जो इंडिविजुअल प्रोमोटर्स है तो उनकी 18.29% की होल्डिंग है, जिसमें लक्ष्मीपति दीनदयालन जो है तो उनके आई थिंक लगभग 9-10% की होल्डिंग है। देन उसके बाद जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इसकी अगर हम बात करें, तो सिकोया एंड TPG आर द टू की, मोर देन 10% इनकी यहाँ पे होल्डिंग है। बाकी आप देख सकते हो तो KKR है, नॉर्वेस्ट है एंड एट्सेट्रा, लाइक इवन HDFC एसेट मैनेजमेंट भी है, 2.9% की यहाँ पे इनकी होल्डिंग है इस कंपनी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे की पर्सन जो है, सो दिस इज द की मैन हियर, लक्ष्मीपति दीनदयालन, तो यही है एज अ फेस ऑफ दिस कंपनी, जो ये चला रहे कंपनी, जिन्होंने ये कंपनी ग्रो भी की है अब तक, राइट। एंड देन उसके बाद जो बाकी लोग हैं, तो एक तो है मैनेजमेंट टीम में, अगेन MD इज लक्ष्मीपति दीनदयालन, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज रंगराजन कृष्णन एंड दी CFO इज मिस्टर श्रीकांत। तो ये था ओवरऑल इनका एक क्या मैनेजमेंट है। नाउ व्हाट इज मतलब ये लक्ष्मीपति दीनदयालन कौन है, तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो द की मैन हियर इज नाउ ही इज द MD एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, and he is basically the engineering graduate from Madras University. And before joining the 5 Star, तो ये काम करते थे as a MD of RKV Finance. तो हमने देखा कि 2002 में RKV Finance amalgamate हुई थी into the 5 Star business, right? तो RKV Finance was involved into the small business loans and lending etc. तो वो merge amalgamate होने के बाद ये सब मतलब एक स्ट्रीम चेंज हो गई 5 Star के बिजनेस की। एंड देन उसके बाद भी उन्होंने जो एक्सपोजर था इनका इनटू स्मॉल बिजनेस लोन्स के केस में, तो वो भी यहाँ पे लाया एंड 5 Star के पोर्टफोलियो को पूरा इन्होंने चेंज कर दिया है। देन सो व्हाट ही डिड, लाइक ही इज कॉल्ड पथी बोलते हैं उनको, तो व्हाट ही डिड तो ये समझ लेते हैं। तो 1984 में जैसे कि हमने बात की थी कि VK रंगनाथन जी ने 5 Star लॉन्च किया, 5 Star फॉर्म किया था। तो 5 Star वॉज फॉर्म नॉट बाय लक्ष्मीपति दीनदयालन, उनकी RKV फाइनेंस करके कंपनी है। तो 5 Star वॉज फॉर्म बाय VK रंगनाथन, राइट। एंड देन अगेन ये जैसे कि मैंने कहा कि लो टिकेट ऑटो सिक्योर्ड लेंडिंग करते थे इन चेन्नई। टिल 2002 ये कंपनी टिपिकल कंज्यूमर फाइनेंस एंड एट्सेट्रा में थी, जो लोन्स देते हैं, एंड द NPAs वर रियली हाई, एंड कुछ ऐसा एडवांटेज था नहीं इनको कि सिग्निफिकेंट एज जो कहते हैं, तो ऐसा एज था नहीं कंपनी में।
तो 2002 में ये आरकेबी फाइनेंस के साथ अमालगमेट हो गई 5 स्टार. एंड आरकेबी ही क्यों, सो लक्ष्मीपति दीनदयाल इज दी सन इन लॉ ऑफ वीके, राइट? तो ये एक कनेक्शन यहाँ पे बनाए, एंड दे मर्ज दिस. एंड देन उसके बाद जो एमडी ने यहाँ पे किया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है बिजनेस में, एंड एक एज तैयार किया है, एक मोट हम भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एज तैयार किया है इन्होंने 5 स्टार में, तो वो हम आगे जानेंगे. एंड दिस इज व्हाट ही डिड इन द नेक्स्ट 8 to 10 years, टेस्टिंग एंड परफेक्टिंग द न्यू बिजनेस मॉडल्स, एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट कम्प्लीटली फ्रॉम द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस टू न्यू प्रैक्टिसेस. देन इसके बाद अगर हम बिजनेस स्नैपशॉट देखें यहाँ पे, तो बिजनेस स्नैपशॉट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंपनी करती क्या है, तो दे आर इनटू सिक्योर्ड लेंडिंग, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप समझ लो कि ये सिक्योर्ड लेंडिंग है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग ये करते नहीं है. सो एवरीथिंग इज कोलैटरल बैक्ड. देन क्या कौन से लोन देते हैं, तो बिजनेस लोन्स देते हैं. सो सिर्फ बिजनेस लोन्स देते हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, ये ना पर्सनल लोन्स देते हैं, ना क्रेडिट कार्ड लोन्स देते हैं, ना होम लोन्स देते हैं, सिर्फ सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है. अब किसको देते हैं, तो देते हैं टू अंडरसर्व्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द सोसाइटी. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट से जो लोकल किराना शॉप्स होती है उनको कुछ वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती है, तो उनको ये लोन देते हैं. देन लेट से कोई साइकिल रिपेयर वाला है, लाइक तो ऐसे छोटे 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 जो बिजनेसेस है जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो उनको ये लोन देते हैं, राइट? तो एज आई सेड की लगे इन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, इनफॉर्मल सैलरीड, इनफॉर्मल जिनकी इनकम है, राइट? तो उनको ये लोन देते हैं. अब कौन से लोन, वर्किंग कैपिटल एसेट क्रिएशन रिलेटेड लोन्स ये यहाँ पे देते हैं. देन लोन टिकट साइज क्या होता है, तो रफली 1 lakh to 10 lakh तक ही ये लोन देते हैं, एंड इनका टेन्योर फिक्स्ड है, 7 years तक का ये लोन प्रोवाइड करते हैं. एंड अगेन जैसे रिकवरी इज ऑन अ EMI बेसिस. देन एज ऑफ FY 24 इनके पास 520 ब्रांचेस है, एंड दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस 10 states. एंड इनका एक्सपेंशन का फोकस अगर हम देखें तो अगेन क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन मॉडल ये फॉलो करते हैं, जैसे कि डीमार्ट फॉलो करता है. तो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन में ये क्या करते हैं, जैसे कि अगर सपोज एक रीजन है वहाँ पे उनकी ब्रांच है, एंड उस ब्रांच का लेट से AUM लाइक 50 crore क्रॉस हो जाता है, तो देन अगेन ये इन सिमिलर रीजन, एक सिमिलर लोकेलिटी में अनदर ब्रांच ओपन करते हैं, वहाँ पे बिजनेस चालू करना, दे स्टार्ट जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम दैट ब्रांच ऑल्सो. सो एक ही ब्रांच पे ज़्यादा बर्डन आता नहीं है. सो दिस इज हाउ दे पेनिट्रेट इन टू अक्रॉस दी रीजन्स. देन 100% जो सोर्सिंग है इनके बिजनेस की, तो अब ये जो बिजनेस है ये माइक्रो, जैसे कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये लोन देते हैं, तो इनका बिजनेस सोर्सिंग जो है वो डिपेंड करता है ऑन द फीट ऑन स्ट्रीट, जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो ये हायर करते हैं उनके बेसिस पे डिपेंड करता है. जैसे कि एक सपोज अब ये सोर्सिंग करते कैसे हैं, तो एक छोटा स्टॉल लगाएंगे किसी, अगर रूरल रीजन में गए तो वहाँ पे एक स्टॉल लगाएंगे, एंड देल स्टार्ट, मतलब ये बोलेंगे कि हम लोन ऑफर कर सकते हैं आपको, देल स्टार्ट गैदरिंग लीड्स एट्सेट्रा, एंड दिस इज हाउ दे जनरेट द बिजनेस. तो 100% जो सोर्सिंग है इनका, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आउटसाइड थर्ड पार्टी और एट्सेट्रा, इट इज कम्प्लीटली इन हाउस, जो इनकी फीट ऑन स्ट्रीट जो है एम्प्लॉयज है तो वो जनरेट करके देते हैं. देन इसके बाद बुक की अगर हम बात करें, तो 100% सिक्योर्ड बुक है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग एज आई सेड की ये करते नहीं है, एंड उसमें भी 95% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट? तो ये जो उनकी जो जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है तो उसको बैक करके ये लोन दिया जाता है. देन टिकट साइज, एवरेज टिकट साइज अभी कितना है, तो लगभग 3.5 lakh का ही एवरेज टिकट साइज यहाँ पे है, एंड रफली इनके 3.9 lakh करेंटली एक्टिव अकाउंट्स है. एवरेज LTV रेशियो की अगर हम बात करें, लोन टू वैल्यू रेशियो, तो 40% का है. नाउ ये भी एक इनके फेवर में ही काम करती है चीज़ें. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज किसी की प्रॉपर्टी है 10 lakh की, एंड उन्हें ये कंसिडरिंग दिस 40% ऑफ LTV रेशियो, तो 4 lakh रुपीज़ का उन्हें लोन मिला है, तो ये भी इनके फेवर में ही काम करता है. जैसे कि अगर 4 lakh के लोन के लिए 10 lakh की प्रॉपर्टी कौन छोड़ेगा, राइट? सो दिस इज़ हाउ वो रीपेमेंट भी हो जाता है, एंड इनके फेवर में तो NPAs भी इनके मैनेज हो जाते हैं, इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. देन एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, तो लगभग 9000 के एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ FY 24. देन लेंडर्स कहाँ से ये बोरो करते हैं, तो मोस्टली आई थिंक 60-65% अभी इनकी जो बोरिंग है दैट इज़ फ्रॉम बैंक्स, बट दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग टू डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अदर, जैसे IFC के पास भी ये गए, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में.
देन क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड इनकी डबल ए माइनस की क्रेडिट रेटिंग है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 50% का अप्रॉक्स इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इसी की वजह से इन्होंने जो रिसेंटली इनका आईपीओ था तो उसमें कैपिटल भी रेज किया नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा यही कहता है कि हमें कैपिटल की ज़्यादा नीड है नहीं, वी आर लाइक कैपिटल रिच। देन की स्टेट्स कौन से हैं करेंटली इनके, तो आंध्र है, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। एंड मैनेजमेंट भी यही कहता है कि वी वांट टू बी साउथ डोमिनेंट, मतलब साउथ में ही हमारा डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा आगे जाके भी, दो साइमल्टेनियसली पैरेलली बाकी स्टेट्स में भी ये अपना प्रेजेंस बढ़ाते रहेंगे। देन करेंटली जो है तो 94% इनका AUM आता है फ्रॉम सदर्न इंडिया रीजन। देन इन नटशेल अगर हम इस कंपनी को समझे तो टारगेट कस्टमर, जैसे हमने कहा कि स्मॉल बिजनेसेस जो है तो उनको टारगेट करते हैं जिनकी इनफॉर्मल इनकम होती है डिराइव फ्रॉम एवरीडे सेल्स, एवरीडे सर्विसेज। टिपिकल जो ATS है, दैट इज एवरेज टिकट साइज, 3 से 5 लाख का इनका एवरेज टिकट साइज में ये लोन देते हैं। मिक्स ज़्यादा है इस रेंज में, जिनकी ग्रॉस इनकम है ऑफ रफली 25 to 40K पर मंथ। कोलेट्रल है अगेन सिक्योर्ड लेंडिंग है पूरा, अनसिक्योर्ड ये देते नहीं। एंड टारगेट जोग्राफीज आर दी सदर्न रीजन एंड स्लोली दे आर एक्सपैंडिंग टू अदर स्टेट्स एज वेल। तो सबसे ज़्यादा इनका जो अच्छा मुझे लगा कि इनके पास लाइक 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन टू लेंडिंग दी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनका, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो असेसमेंट है ऑफ द मतलब जो बोरोवर है उसका असेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज डेटा अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस, राइट। तो यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है एंड दे ऑल्सो हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर बिहेवियर। एंड इसके चलते अभी जैसे जैसे ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं इनटू tier 5 tier 6 लेवल्स एज वेल, तो और भी इनका एक मोट ज़्यादा पॉलिश हो रहा है। देन उसके बाद टिपिकल जो 5-star का कस्टमर है तो वो कौन है, तो एज आई वाज सेइंग कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं तो यहाँ पे ये लोन देते नहीं है। बट अगेन आप देख सकते हो कि इट इज़ सिंपल टू असेस, लाइक सपोज बैंक है तो बैंक को क्या चाहिए कि सिंपल अगर डॉक्यूमेंट हो तो बैंक जल्दी जल्दी प्रोसेस करके उसको लोन डिसबर्स कर भी देता है। बट यहाँ पे जो इस मतलब जिस रीजन में, जिस कस्टमर सेगमेंट में ये लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ पे बैंक्स का आना इज़ रिलेटिवली टफ, बिकॉज इट इज़ highly complex to assess the cash flows, the character and even the collateral things of the micro entrepreneurs, because डिफ़ॉल्ट रेट्स जनरली यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वेरी सेफ प्ले करना पड़ता है। सो टिपिकली जो स्मॉल बिजनेसेस है जो यहाँ पे इनका फोकस है एंड बिकॉज बैंक्स यहाँ पे एंटर नहीं कर पाते हैं, इनके लिए एक मोट यहाँ पे तैयार हो गया है, लाइक दे हैव अ वेरी नीश मोट विद देम। बट अगेन यहाँ पे एक निगेटिव भी हो सकता है, अगर जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर एग्रेसिव हो जाए एंड दे स्टार्ट लेंडिंग टू दिस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, सो देन कॉम्पिटिशन कैन कम अप। बट करेंटली ऐसा देखा नहीं गया, इनके यील्ड्स जो है वो मैं आपको दिखाऊं, कंसिस्टेंट यील्ड्स रहे हैं ओवर द इयर्स। देन अगर हम इनका सोर्सिंग मॉडल देखें तो सोर्सिंग, अंडरराइटिंग एंड कलेक्शंस की इनकी जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। तो टोटली जैसे मैंने कहा कि 100% जो इनका सोर्सिंग है, बिजनेस जनरेट करना, लीड्स लाना इज इन हाउस। इनकी जो फीट ऑन स्ट्रीट है तो एज आई सेड डोर टू डोर जाते हैं, स्टॉल सेटअप करना एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्पलेट्स, टिपिकल जो कन्वेंशनल लीड जनरेशन की जो स्ट्रैटेजी है तो वो यहाँ पे अपनाई जाती है। बिकॉज अगेन वी आर दे आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी नीश एंड बहुत ही रूरल सेगमेंट में जाके ये ऑपरेट करते हैं, तो यही एक स्ट्रैटेजी है, अपना सकते हैं। देन असेसमेंट कैसे होता है, तो असेसमेंट होता है बेस्ड ऑन 3 C's, दैट इज कैरेक्टर, कैश फ्लो एंड कोलैटरल। तो कैरेक्टर कैसे असेस करते हैं, तो रेफरेंसेस से बात करना, जो लेट्स से अज्यूम लाइक आई एम सम स्मॉल वेंडर इन दी स्मॉल बिजनेसमैन इन दी रूरल रीजन, तो मेरा एक छोटा शॉप है तो मैंने जो रेफरेंसेस दिए हैं उनसे बात करना, मेरा जो नेबरहुड है, मेरा जो सर्कल है, तो उन वहाँ पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेना इज़ व्हाट दी रिलेशनशिप ऑफिसर और दी ऑफिसर्स डू। देन कैश फ्लोज कैसे असेस करते हैं, तो अब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है तो बहुत ही लाइक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो कच्चे रिसीट्स होते हैं, कच्चे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो होता है। एंड ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री भी अवेलेबल होती नहीं है इनके सेगमेंट्स में, तो इसके चलते एक डिफिकल्टी आ जाती है इन असेसिंग द कैश फ्लोज। बट व्हाट दे ट्राई टू डू इज ट्राई एंड असेस कि ये अगर बिजनेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट दे डू इज दे एलिमिनेट द स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट हियर। अगर कोई बिजनेस है जो स्पेकुलेशन पे डिपेंडेंट है,
तो वहाँ पे वो लोन देते ही नहीं है. दे वॉन्ट द कैश फ्लोज टू बी रिच एंड कैश फ्लोज टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो. तो वो असेस करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट. एंड ये असेस करते हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग कि ये बिजनेस एक साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल है. तो उसके बेसिस पे ही ये लोन देते हैं बाद में. एंड कोलैटरल अगेन आगे बताऊंगा, एक मेकर चेकर प्रोसेस का भी स्लाइड है मेरा. तो कोलैटरल जनरली दे ट्राई एंड असेस ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एज वेल, जो टाइटल है तो वो क्लियर है एटसेट्रा. देन उसके बाद कलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो कलेक्शंस के केस में जो ग्राउंड मतलब जो रिलेशनशिप ऑफिसर है तो वही कलेक्ट करता है, वही एक्ट करता है एज अ कलेक्शन ऑफिसर. देन इन्होंने कुछ टेक में इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है एंड कॉस्ट भी रिलेटिवली कम हुई है. अब ये क्या है, तो 2017 में देवर कम्प्लीटली लाइक मैनुअल अंडर राइटिंग होती थी, तो मैनुअली डेटा लिख के रखना एंड लाइक 2017 तक ये होता था एंड उसके बेसिस पे अंडररेटिंग होती थी, उसके बेसिस पे लाइक लोन का प्रोसेस सब होता था. अब 2017 से 22 उन्होंने काम किया एंड दे इंट्रोड्यूस्ड ईआरपी सॉल्यूशंस वहाँ पे एंड स्लोली स्लोली दे हैव मूव्ड टू पेपरलेस अंडररेटिंग मॉडल. एंड उसके बेसिस पे इनको बेनिफिट क्या हुए, तो इनका जो टर्न अराउंड टाइम है तो वो कम हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको. देन FY23 में एज ऑफ FY23 दे हैव लाइक 47 IT पर्सनल एज ऑन डेट. एंड अगर हम पिछले दो सालों की अगर हम बात करें तो टोटल 54 crores का इन्होंने IT में स्पेंड किया है. एंड क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, तो जैसे कि सेल्स फोर्स जो कि यूज होगा फॉर लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, देन ओरेकल फॉर जनरल लेजर एंड बाकी ट्रेजरी एंड एटसेट्रा डेटा मेंटेनेंस के लिए भी इन्होंने टेक में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. देन आगे जाके इनका क्या प्लान है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग. तो फॉर एग्जांपल कि इनके पास सपोज अभी डेटा कलेक्ट हो चुका है तो कौन से रीजन में कौन से कोहोर्ट में इनको ज़्यादा रिस्क दिखती है, तो वहाँ पे डिसबर्समेंट कम करना इज व्हाट हाउ लाइक ये ऐसे डेटा उसको यूटिलाइज करेंगे. देन कस्टमर क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, तो हर एक कस्टमर को एक स्कोर देना, तो उसके बेसिस पे कस्टमर अच्छा है या बुरा है, ऑन दैट स्कोर दे कैन डिसाइड एंड दे कैन इवन ऑफर टॉप अप लोन्स टू देम, राइट. तो ये भी एक एडिशनल इनको बिजनेस जनरेशन में भी हेल्प कर सकता है. देन उसके बाद द बेनिफिट्स क्या मिले हैं इनको फ्रॉम दिस टेक एंड अदर लोन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक इनटू लोन ऑपरेशंस. तो पहले तो इनका जो टर्न अराउंड टाइम है तो वो कम हो गया, तो FY20 में 15 दिनों का था, अब 10 दिनों का हो गया. एंड आगे जाके मैनेजमेंट इज सेइंग 8 days तक का ये टाइम हो सकता है. देन जो डेटा है तो डेटा भी ज़्यादा मिला है इनको एंड जो डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हैज़ इंक्रीज. देन उसके बेसिस पे जैसे कि क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट मॉडल बिल्ड करना, देन डेटा एनालिटिक्स करना, ये यहाँ पे डेटा यूज़ कर सकते हैं. देन उसके बाद अंडररेटिंग में भी इनको हेल्प हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर ये अंडररेटिंग कर सकते हैं. ऑडिट ट्रेल भी बनी है, कंप्लीट मेकर चेकर प्रोसेस ये भी ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं. एंड कलेक्शंस में भी जो कलेक्शंस है इनके, तो नाउ देर इज इन एज फैसिलिटी एंड लाइक UPI ऑटो पे, तो उसके बेसिस पे इनका जो नॉन कैश कलेक्शन है बिकॉज ऑफ टेक तो वो भी बढ़ता हुआ दिखा है. तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि नॉन कैश कलेक्शन है तो वो अभी 53% हुआ है जो कि 42% हुआ करता था. एंड इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी का जो नंबर है तो वो भी ज़्यादा है, लाइक 98% की रफली कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे मेंटेन हुई है. देन इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है इनका, बोर्ड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो लिक्विडिटी रिस्क है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की रिस्क है, तो वो भी उसकी अलग कमेटी है. देन इवन जो लार्ज टिकट सैंक्शंस है तो उसकी भी अलग कमेटी इनके पास है. तो प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट की भी टीम है. एंड इसके अलावा जो ऑडिट एंड प्रॉपर इंटरनल ऑडिट, स्टैचुटरी ऑडिट एंड ओवरसाइट की जो सारी चीज़ें होती है फाइनेंशियल रिलेटेड, तो वो भी अलग टीम यहाँ पे है. देन इसके बाद अगर हम इनका मिक्स देखें कि कौन से रीजन में ज्यादा मिक्स है इनका, तो करंटली सबसे ज्यादा जो मिक्स है तो वो आंध्रा में है. 37% का AUM मिक्स वहां से है जो कि लाइक 28% था. सो दे हैव लाइक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंशन यहाँ पे आंध्रा में हुआ है. एंड मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो करंटली 94% AUM है साउथ में, तो वो रफली मैक्स टू मैक्स 80 तक ही रह सकता है इन द साउथ इवन इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, राइट. तो मैनेजमेंट का क्लियर फोकस है ऑन द सदर
सदर्न इंडिया रीजन रादर देन एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग मोर इन टू नॉर्दर्न एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड करेंगे बट ऑल दे आर ट्राइंग टू से इज दैट देर इज नो रियल अर्जेंसी टू एक्सपैंड इन अदर टेरिटरीज अदर देन द कोर सदर्न स्टेट्स. देन इसके बाद जो इनका पेनिट्रेशन लेवल अगर हम देखें यहाँ पे तो लास्ट वन ईयर में आप देख सकते हो कि दे हैव पेनिट्रेटेड इन टीयर सिक्स टाउन्स राइट. सो 17% का था इन एफ FY23 तो वो अब 28% तक जा चुका है. सो दे आर बहुत ही डीप लेवल पे जाके वो पेनिट्रेशन करके बिजनेस जनरेट कर रहे हैं. देन एक प्रोसेस कंट्रोल्स क्या है इस कंपनी में, तो जैसे कि मैंने कहा कि मेकर चेकर मॉडल है तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है समझना कि ओवरऑल रिस्क ये कैसे मैनेज करते हैं एंड अंडर राइटिंग प्रोसेस क्या है इनका, तो ये इस स्लाइड से हम समझते हैं. तो सबसे पहले सोर्सिंग की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप ऑफिसर होता है. तो रिलेशनशिप ऑफिसर पहले बेसिक वेरिफिकेशन करेगा जैसे कि बिजनेस एंड रेसिडेंस एप्लीकेंट का, देन बैकग्राउंड चेक्स होंगे, देन अदर प्रिलिमिनरी जो चेक्स है तो वो भी होंगे. देन इसके बाद एक डिटेल्ड असेसमेंट किया जाएगा ऑफ द इनकम्स एंड कैश फ्लोज जो है, तो कितना ये कमाते हैं, जो लिस्ट मतलब जो कच्चे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उस बेसिस पे एक देखा जाए कि कितनी इनकी कमाई होती है. देन इसके बाद जो जैसे मैंने कहा कि ये एलिमिनेट कर ले जो बिजनेसेस सीजनल एंड स्पेकुलेटिव है तो वहाँ पे इनको जाना ही नहीं है. तो जो कंसिस्टेंटली कैश फ्लोज कैश फ्लो रिच बिजनेसेस तो उन्हीं को ये लोन देते हैं. देन ये जो लीड है जो जनरेट हुई है तो वो इसको रिकॉर्ड करेंगे इन द सिस्टम एंड इफ दी लाइक आर वी सेटिस्फाइड. देन चेक कौन करता है, तो ये तो हो गया मेकर की बात. तो चेकर कौन है, तो चेकर है ब्रांच मैनेजर. तो ब्रांच मैनेजर अगेन उसके जो थ्री सीज जो है तो कैश फ्लो कोलैटरल एंड कैरेक्टर उसके बेसिस पे अगेन चेक करेगा. इवन द ब्रांच मैनेजर विल विजिट द एप्लीकेंट्स बिजनेस एंड वेरीफाई द इनकम एंड कैश फ्लोज. कोलैटरल है तो उसको भी वैल्यू करेंगे, डिस्ट्रेस्ड लोअर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रेस वैल्यू. तो डिस्ट्रेस वैल्यू कितनी है एंड मार्केट वैल्यू कितनी है, तो डिस्ट्रेस वैल्यू अगर कम हो तो उसके बेसिस पे LTV लगाया जाएगा एंड उसके बेसिस पे लोन दिया जाएगा राइट, लोन ऑफर किया जाएगा. देन कैरेक्टर इज एसेट के नेबरहुड्स एंड अदर जो सर्कल है उसका जो एप्लीकेंट का, तो उसको वहाँ पे डिस्कशंस होंगे. देन उसके बाद जो लीगल वेरिफिकेशन है तो अगेन एक्सटर्नल लीगल वेंडर है तो वहाँ पे लीगल ओपिनियन लिया जाएगा एंड जो इनहाउस लीगल टीम है तो वो इसको वेरीफाई करेगी अगेन. देन अंडर राइटिंग जो है तो इनके पास एक फील्ड क्रेडिट टीम एंड फाइल क्रेडिट टीम. तो फील्ड क्रेडिट टीम ऑन ग्राउंड जाके सब वेरीफाई करेगी एंड फाइल क्रेडिट टीम विल अल्टीमेटली अप्रूव ऑल द लोन्स. एंड आई शुड से दिस कि फाइल क्रेडिट टीम के पास अल्टीमेट अप्रूवल अथॉरिटी है. अगर फाइल क्रेडिट टीम को लगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री एट्सेट्रा अगर कुछ हो तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है राइट. एंड अप्रूव अगर हुआ तो देन अमाउंट डिसाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा रिस्की हो तो ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट, अगर कम रिस्की हो तो कम रेट, उसके बेसिस पे लोन दिया जाएगा. देन कलेक्शंस जो है तो कलेक्शंस अगेन जो RO है एज ए सेट की जो लोन जिन्होंने लीड जनरेट किए तो वही अल्टीमेटली कलेक्शन करते हैं एंड अल्टीमेटली चेक होता है विद द कैश रिकंसिलेशन एट द ब्रांच लेवल ऑन अ डेली बेसिस. देन व्हाट आर द गार्डरेल्स टू मिटिगेट द रिस्क. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि इनकी जो क्रेडिट टीम है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेल्स टीम, लाइक इनकी जो फाइल क्रेडिट टीम है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फील्ड क्रेडिट टीम और द अदर गाइज. तो यहाँ पे ये होना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कोई भी जिसने लीड लाई है जिसने बिजनेस जनरेट किया है वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस ना कर पाए टू दी क्रेडिट डिपार्टमेंट टू जस्ट ऑफर द लोन एनी हाउ, तो एक बैड अंडर राइटिंग यहाँ पे ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस रखा गया है एंड दिस इज अ गुड थिंग. एंड इसके अलावा जो LTV रेशियो भी है दो ये बड़ा है फ्रॉम 36% टू 40% राइट नाउ, बट स्टिल इट इज सीम्स वेरी कंजर्वेटिव बिकॉज जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर किसी की 10 लाख की सपोज प्रॉपर्टी है एंड उसको ऑन दिस बेसिस कि अगर 4 लाख का लोन दिया है तो 4 लाख के लोन के लिए 10 लाख की प्रॉपर्टी कोई छोड़ेगा नहीं राइट. तो यही एक गार्डन से इनके जो इनकी रिस्क जो है तो ये मिटिगेट करते हैं. देन इसके बाद इनके इनके पास प्राइसिंग पावर क्या है, तो व्हाट इज़ द प्राइसिंग पावर विद देम. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया तो ये ऑपरेट करते हैं विद द कस्टमर सेगमेंट जहाँ पे जनरली बैंक्स जाते नहीं, बिकॉज बैंक्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू असेस दी कैरेक्टर कैश फ्लोज एंड द कोलैटरल राइट. तो नंबर वन, तो बैंक्स इस रीजन में जाते नहीं है एंड अगेन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, NPAs होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे बिकॉज दी
अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स, बट यहाँ पे यही बेनिफिट इनको मिलता है, राइट? तो ये यहाँ पे जाके बिजनेस जनरेट करते हैं इनके लिए एट अ हायर यील्ड, एंड इसी के चलते इनके पास एक प्राइसिंग पावर भी आ जाती है. नाउ अनदर जो पॉइंट है यहाँ पे, तो वो ये है कि जनरली जो रूरल के लोग होते हैं, तो दे अगेन अपार्ट फ्रॉम बैंक्स दे प्रेफर गोइंग टू द लोकल लेंडर्स, राइट? तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होते हैं, तो रादर देन पेइंग हायर इंटरेस्ट रेट्स टू द लोकल लेंडर, फाइव स्टार कैन ऑफर वेरी लोअर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. तो यही और एक बेनिफिट फाइव स्टार को मिलता है. देन इसके बाद जो टिकट साइज मिक्स है इनका, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेस देन 3 लाख एंड अप टू 5 लाख अगर हम देखें, तो रफली 80-80 मोर देन 80% का इनका यहाँ पे टिकट साइज मिक्स है ऑफ लेस देन 5 लाख कैटेगरी. तो मोस्टली इनका जो सेगमेंट है, मोस्टली इनकी जो इंडस्ट्री है, दैट इज सिक्योर्ड लोन्स ऑफ एवरेज टिकट साइज लेस देन 5 लाख रुपीज़ का. तो इसके बारे में अब हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे. तो ओवरऑल जो MSME इंडस्ट्री है, तो देर आर लवली 7 करोड़ MSMEs इन इंडिया, जिसमें 97% आर माइक्रो. एंड स्टेट वाइज भी अगर हम बात करें, तो यूपी हैज़ 14%, वेस्ट बंगाल हैज़ अगेन 14% एंड अदर परसेंटेजेस एज वेल. देन इसके बाद जो रूरल अर्बन मिक्स है, तो दैट इज अगेन 51:49 एंड टोटल 94% आर सोल प्रोपराइटर्स, राइट? एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके केस में ये है कि जो क्रेडिट गैप है यहाँ पे, तो क्रेडिट गैप समझते कि कितना बड़ा है. तो टोटल FY17 में वर्सेस FY24 में द MSME क्रेडिट डिमांड की बात हो रही है. दिस इज नॉट द क्रेडिट गिवन आउट, दिस इज द क्रेडिट डिमांड दैट इज एस्टिमेटेड एट 69.3 trillion रुपीज. एंड यही क्रेडिट डिमांड बड़ी है एट 10% के अगर से इन लास्ट 7 years टू 138 trillion रुपीज. MSME की क्रेडिट डिमांड की बात हो रही है यहाँ पे. नाउ इसमें से 16% जो है, तो वो फॉर्मल फाइनेंसिंग थ्रू लाइक डिमांड मीट होती थी. अब ये जो है, तो ये मिक्स बढ़ा है, 25% अब फॉर्मल फाइनेंसिंग लेते हैं, राइट? अब ये स्टिल देर इज अ गैप, स्टिल देर इज 75% गैप. तो वो गैप भी बढ़ा है फ्रॉम इनफॉर्मल फाइनेंसिंग पहले होती थी ऑफ 58.4 trillion रुपीज की, एंड 104 trillion रुपीज की अब इनफॉर्मल फाइनेंसिंग होती है. एंड ये इनफॉर्मल फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, तो इनफॉर्मल सोर्सेज आर लाइक द मनी लेंडर्स, चिट फंड्स, पर्सनल सोर्सेज, अदर लाइक रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा. एंड ये इंटरेस्ट रेट्स जो है इनफॉर्मल सेगमेंट के, तो दोज आर 30-60%, राइट? तो जैसे कि हमने देखा कि प्राइसिंग पावर जो फाइव स्टार के पास है, तो वो आती कहाँ से है कि अगर किसी रूरल सेगमेंट में अगर कोई ये सपोज ये रूरल सेगमेंट है लोन दे रहे, तो एक तो बैंक्स आते नहीं, बिकॉज बैंक्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन टू दीज कोहोर्ट्स. वर्सेस जो इनफॉर्मल सेगमेंट है, तो वो ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, एंड इन कंपैरिजन टू देम फाइव स्टार लोअर रेट चार्ज करके ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सकता है. सो देर इज अगेन बिजनेस कॉम्पिटेटिव एज. तो यही एज जो है मिस्टर लक्ष्मीपति दीन दयाल जी ने जनरेट, मतलब ये लाया है इस बिजनेस में. एंड आई एम नॉट सेइंग ये कंसिस्टेंट एज है, ये परमानेंट एज है, दो अगर जैसे कॉम्पिटिशन अगर आता है, तो ये एज भी थोड़ा हैम्पर हो सकता है. देन इनका एड्रेसेबल मार्केट अगर हम यहाँ पे देखें, तो फाइव स्टार का एड्रेसेबल मार्केट एक डिराइव किया गया, दिस इज अ डिराइव्ड एड्रेसेबल मार्केट ऑन अ टेंटेटिव बेसिस. तो यहाँ पे टोटल हाउस होल्ड्स अगर हम देखें इंडिया में, तो 27.1 करोड़ हाउसहोल्ड्स है, जिसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड हाउसहोल्ड्स आर 5.6 crore. अब इसमें भी जिनके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दोज आर 4.6 crore, एंड उसमें भी जो लाइक पक्का हाउसहोल्ड्स जो है, तो दोज आर रफली 4.4 crore. अब इनका जो एवरेज टिकट साइज का मिक्स है, तो दैट फॉल्स मोर इन टू दी लेस देन 5 लाख ब्रैकेट, राइट? तो 5 लाख का जो ब्रैकेट है, तो वो अगर हम देखें, तो टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है ऑफ SORP, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बैक्ड बिजनेस लोन्स, अगर हम देखें, तो टोटल आता है 22 trillion रुपीज की इनके पास अपॉर्चुनिटी है. सो दिस इज अ बिग मार्केट एक्चुअली फॉर फाइव स्टार. देन इसके बाद जो कॉम्पिटिशन है, तो कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है इनके केस में, तो करेंटली फाइव स्टार का जो यील्ड है, दैट इज मोर देन 22% का, एंड इनका जो एवरेज टिकट साइज है, दैट इज लेस देन 10 lakhs. तो यहाँ पे फाइव स्टार फॉल करता है. एंड इनके कॉम्पिटिटर्स है वेरिटास फाइनेंस, आई फाइनेंस, लेंडिंग कार्ड
फिनोवा एंड किनारा कैपिटल. तो मोस्टली आई थिंक फाइव स्टार ही लिस्टेड है इनमें से. सो बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एंड कॉम्पिटिटर्स बाकी जो है, तो इक्विटास इज अगेन इनका जो यील्ड है तो वो अगेन 18-22% के केस में है. AU इज अगेन इवन लेसर इन दिस केस वर्सेस पूनावाला इज अगेन पूनावाला इज लाइक पूनावाला मोर देन 10 लैक्स का ATS है. बट अगेन पूनावाला तो प्राइम कस्टमर्स को लोन देता है एंड मोस्टली अर्बन रीजन में ही देता है. सो आई वुड लाइक से फाइव स्टार इज अ रूरल पूनावाला कैटेगरी, राइट? तो दिस इज हाउ दी फाइव स्टार इज प्रेजेंट इन दी पीयर्स अमंग्स द पीयर सेट. देन इसके बाद ओवरऑल MSME आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो जो है, तो MSME का पोर्टफोलियो कितना है, तो आगे जाके करेंटली MSME पोर्टफोलियो इज टोटल पोर्टफोलियो की बात हो रही है, नॉट मतलब टोटल ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इंक्लूडिंग माइक्रो मीडियम एंड ऑल. तो टोटल अगर हम बात करें तो 30 ट्रिलियन रुपीज़ का ये टोटल पोर्टफोलियो है एंड उसमें भी वो भी 14% के क्यागर से बढ़ने के एक्सपेक्टेशन से आगे जाके एंड इट कैन रीच टू 45 ट्रिलियन रुपीज़. एंड उसमें भी अगर हम लेंडर वाइज मिक्स देखें तो यहाँ पे आप NBFCs का मिक्स देख सकते हो, NBFCs का मिक्स बढ़ता हुआ हमें दिखा है. देन उसके बाद जो सिक्योर्ड MSME है तो वो बड़ा है एट 14.4% के अगर से एंड उसमें भी लाइक जो सिक्योर्ड विथ लेस देन 5 लाख का एट ATS है तो वहाँ पे दैट मार्केट करेंटली इज 407 बिलियन रुपीज का मार्केट एंड वो बढ़ने के एक्सपेक्टेशन से एट 19% के आगार. एंड अब ये क्यों है, बिकॉज अगेन कंटिन्यूड सपोर्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स है, देन हायर पेनिट्रेशन बाय दी लेंडर्स सच एज फाइव स्टार एट्सेट्रा. तो ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ये मार्केट और भी ग्रो कर सकता है एंड बिकॉज MSME इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हाई रेट. एंड देन इसमें भी पास्ट में ये भी देखा गया है कि जो लेस देन 5 लाख की जो टिकट साइज लोन्स है तो वो ज़्यादा रेट से बढ़े हैं. सिक्योर्ड लोन्स ऑफ लेस देन 5 लाख ATS तो वो ज़्यादा रेट से बढ़े हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर कैटेगरीज. एंड ये क्यों बढ़े हैं, बिकॉज अगेन ब्रांच एक्सपेंशन हुए हैं नंबर वन एंड उसके बाद जो इंसेंटिव जैसे कि उद्यम स्कीम जिसमें अगर कोई एनरोल करता है तो अगेन दैट एप्लीकेंट गेट्स एलिजिबल फॉर द इंसेंटिव सब्सिडीज एट्सेट्रा फ्रॉम दी गवर्नमेंट. तो इसके चलते भी ये ज़्यादा MSMEs लाइक एक रडार में आते हैं फाइव स्टार जैसे कंपनीज के एंड ये ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इस सेगमेंट में. देन लास्टली अगर हम फनल एनालाइज करें यहाँ पे एक समरी बेसिस पे तो ओवरऑल जो MSME क्रेडिट एड्रेसेबल मार्केट है करंट बेसिस पे तो वो है 138 ट्रिलियन का, जिसमें क्रेडिट गैप करेंटली 104 ट्रिलियन रुपीज़ का एंड फॉर्मल जो फाइनेंसिंग है तो NBFCs एंड बैंक्स थ्रू जो फाइनेंसिंग लेते हैं दैट इज 34 ट्रिलियन एंड फॉर फाइव स्टार करंटली जो मार्केट साइज है दैट इज 407 बिलियन रुपीज का. अब 407 बिलियन रुपीज में फाइव स्टार का AUM कितना है, तो AUM इज 9,000 odd crores 9,500 odd crores का इनका AUM है. सो एक काफी ज्यादा हेडरूम हमें यहां पे दिखती है फॉर फाइव स्टार टू ग्रो. एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखें तो ब्रांच एक्सपेंशन अच्छा खासा हुआ है, फ्रॉम 173 to 520 ब्रांचेस इनके हुए हैं एट ग्रोन एट ए कैगर ऑफ रफली 25%. डिसबर्समेंट भी बढ़े हैं, दो कोविड के टाइम्स में इन्होंने इनके डिसबर्समेंट जो है तो वो स्लो कर दिए थे बट उसके बाद एक रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे दिखी है डिसबर्समेंट में. 26-27% के कैगर से डिसबर्समेंट भी बढ़े हैं एंड ओवरऑल जो AUM है तो वो बढ़ा है बाय 35.5% के रेट से, राइट? एंड इसके बाद जो एम्प्लॉयज हैं तो अगेन द फीट ऑन स्ट्रीट एंड ऑल द एम्प्लॉयज हैव गॉन अप फ्रॉम रफली 2000 टू नाउ 9000 प्लस. ग्रॉस स्टेज GNPA दैट इज NPA नंबर दो रिसेंटली बढ़ा है बट दैट अगेन ओवरऑल इंडस्ट्री में NPA लेवल ऑफ लेस देन 2% इज एक्सेप्टेबल, राइट? एंड जिस रिस्की सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं कंसिडरिंग दैट मेंटेनिंग NPAs एट लेस देन 2% इज क्वाइट अप्रिशिएबल. सो ये इन्होंने मेंटेन करके दिखाया है एंड ये नॉर्मलाइजेशन होता रहता है. इवन इफ यू सी IDFC फर्स्ट बैंक भी यही कहता है कि जो NPAs है लेस देन 2% इज एक्सेप्टेबल इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी रिस्की सेगमेंट, राइट? एंड इसके अलावा जो नेट स्टेज 3 NPAs है तो वो भी इन्होंने मेंटेन किए विथ ओवरऑल प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ मोर देन 50%. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे कि हमने बात की थी वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द इंडस्ट्री, 50% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यील्ड्स, पोर्टफोलियो यील्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो 24, 24, 24, 24, 24, 24. कंसिस्टेंटली इनके जो यील्ड्स है ऑन द लोन तो वो कंसिस्टेंटली एट 24% तक रहे हैं एंड दिस इंडिकेट्स, दिस शोज एक्चुअली एक प्राइसिंग पावर इनके पास है. क्यों? एज आई सेड कि बैंक्स तो एंटर करते नहीं इनके सेगमेंट में, प्लस
जो कंपटीशन है फ्रॉम द लोकल लेंडर्स, तो वो रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनके कंपैरिजन में फाइव स्टार इज चार्जिंग अ लोअर रेट, तो इनके यील्ड्स आर मेंटेन एट 24%। बट आगे जाके मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है तो ये भी इनकी गिरी है बिकॉज ऑफ अगेन हायर क्रेडिट रेटिंग नॉचेस एंड एट्सेट्रा। तो ये जो डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग है ओवर द ईयर्स, तो ये भी आगे पास ऑन ये कर सकते हैं टू द कस्टमर्स, तो इस बिकॉज ऑफ दिस यील्ड्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। एंड अब ये देखना पड़ेगा आगे जाके कि यील्ड्स कम क्यों होते हैं, द रीज़न ये ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टरली कि क्या ये कंपटीशन की वजह से यील्ड्स गिरे हैं, और या मे बी गिर भी नहीं सकते, बट आई एम जस्ट गिविंग आउट यू फ्लेवर व्हाट मैनेजमेंट हैज सेड। तो ऑन दिस बेसिस ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि ये यील्ड्स बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन गिरे हैं या इट इज़ अ पर्पजफुल स्ट्रैटेजी विच द मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। इंटरेस्ट स्प्रेड्स अगर हम देखें तो 13.1% का था, अभी 14.6% है। एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है तो वो भी इनकी गिरी है फ्रॉम 10.8% से 9.28% तक, दो इन लास्ट वन ईयर ये इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ अगेन द हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। दिन इसके बाद जो कि फंडामेंटल अदर नंबर्स जो है, तो इंटरेस्ट इनकम जो है इनका तो रफली 40% कैगर से बड़ा है, एंड जो बॉटम लाइन है तो वो भी रफली 40% कैगर से यहाँ पे बड़ी है इन द लास्ट 4 or 5 years। देन जो आरओई नंबर्स है यहाँ पे, तो आरओई नंबर्स आर एट ऑल टाइम हाई, 16-17% का करेंटली इनका आरओई नंबर है विच इज़ एट ऑल टाइम हाई ओवर द ईयर्स। ये इतना आरओई नंबर इन्होंने अभी तक जनरेट नहीं किया, एंड इंक्रीजिंग आरओई नंबर शोज की बिजनेस अच्छा कर रहा है, राइट? They are expanding well, they are growing well, and जो growth है वो profitability तक भी आ रही है, and ultimately shareholders are generating return out of that. So ये ROE number बढ़ना ये सब चीजें show करता है। देन जो ग्रोथ पाथ है आगे जाके फाइव स्टार का, तो वो कैसे रहने वाला है, तो ये ग्रो कैसे करने वाले, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो फैक्टर्स जो फैसिलिटेट करेंगे इनके ग्रोथ में, तो एक तो है वो लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ 22 trillion रुपीज़ की, राइट? तो वो इनके पास है, एंड वहाँ पे करेंटली इनका AUM इज़ रफली 9,500 crores का AUM, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ दैट लार्ज विथ सम एज विद द बिजनेस। इट अगेन एक अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पे दिखता है। देन स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है करेंटली कंपनी के पास, IT में आई टेक स्पेंड्स यहाँ पे कंपनी कर रही है, तो ऑल मिक्सचर ऑफ ऑल दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द रोबस्ट ग्रोथ। इसके अलावा ब्रांच एक्सपेंशन भी हो गए, फीट ऑन स्ट्रीट भी ये लोग बढ़ाएंगे आगे जाके फॉर फर्दर एक्सपेंशन, न्यू स्टेट न्यू ज्योग्राफीज में एंटर करना। देन इसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी इंक्रीज होता है इन द टिकट साइज, तो वो भी प्ले आउट होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक रोबस्ट ग्रोथ भी मैनेजमेंट कहता है कि आ सकती है इनके बिजनेस में। देन बोरोइंग मिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बोरोइंग मिक्स में देखें तो 65% बैंक से बोरो करते हैं, एंड ये अच्छा भी है करंटली बिकॉज जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट्स नाउ मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द यूरोप एंड एटसेट्रा रीजन हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, तो जैसे इंडिया में जैसे साइकिल स्टार्ट होती है तो बैंक्स भी इनके इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, तो अल्टीमेटली इनको भी बेनिफिट पास ऑन होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। बट वॉट दे आर ट्राइंग टू अचीव इज दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई दिस मिक्स मोर, दे आर गोइंग टू नाबार्ड एंड अदर दी IFC लेडीज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो यहाँ से भी ये बोरोइंग्स करने के प्लान्स है इनके, एंड जस्ट टू डाइवर्सिफाई द ओवरऑल मिक्स। तो इसके बेसिस पे मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आगे जाके थोड़ी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ जो है तो बाकी सेगमेंट से ये बोरो कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि कंपनी डज नॉट यूज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू फंड इट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगेन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का यहाँ पे एक थिंग दिखती है। सो ऑल इन ऑल अगर हम एक समरी देखें फाइव स्टार के केस में, तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो इनके एज या एक बिजनेस मॉडल को एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाती है, तो वो है एक प्रॉक्सिमिटी विद द कस्टमर, राइट? एक कस्टमर के लाइक एज आई सेड की जो RO है तो वही सोर्सिंग करते हैं, वही कलेक्शन करता है, एंड जो ब्रांचेस है तो वो भी काफ़ी नज़दीक है मतलब कस्टमर्स के, एंड एक प्रॉपर एक रिव्यू भी होता है टाइमली, तो वो एक कस्टमर के साथ जो है कि एक रैपो एंड एट्सेट्रा तो वो बिल्ड करके एक रिकवरी एट्सेट्रा में ईजीनेस होता है, तो अगेन प्रॉक्सिमिटी विद द कस्टमर है। प्रोसेस कंट्रोल्स भी है इनके पास, हमने बात की थी कि प्रोसेस कंट्रोल्स मेकर चेकर अप्रोच है यहाँ पे, गार्डरेल्स टू मिटिगेट द रिस्क, इंडिपेंडेंस जो है फ्रॉम फाइल क्रेडिट टीम, फील्ड क्रेडिट टीम वर्सेस फाइल क्रेडिट टीम में देर इज़ अ वॉल एक्चुअली,
एंड इसके अलावा जो LTV रेशियो है तो वो भी मेंटेन ये रखते हैं. देन इसके बाद जो एंट्री बैरियर्स है फ्रॉम बैंक्स एट्सेट्रा एंड प्राइसिंग पावर इन कंपैरिजन टू दी लोकल लेंडर्स एंड बैंक्स एंट्री करते नहीं है, तो एक एज यहाँ पे बना है. देन इसके बाद एक नीश है इनका, एक बहुत ही डीपर सेगमेंट में जाके ये लोन्स जनरेट करते हैं. सो ऑल इन ऑल दिस इज वॉट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी फाइव स्टार्स एज इज वॉट आई फील. अब ये तो चलो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, बट की रिस्क क्या है कंपनी में, तो रिस्क समझ लेते हैं. तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन इन द सदर्न इंडिया रीजन, तो वहां पे लाइक अगेन सदर्न इंडिया इज अगेन प्रोन टू सम नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा, तो वहां पे अगर कुछ फ्लड एटसेट्रा कुछ आ जाता है तो वो है. एंड देन सडन पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, जो लोन वेवर्स की अभी बातें चल रही हैं राइट, तो वो अगर होता है तो अगेन ये यहां पे इंपैक्ट हो सकता है. देन दे हैव विटनेस सर्टन स्लोअर पेस ऑफ एक्सपेंशन इन अदर स्टेट्स, तो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि एज आई सेड देयर इज नो रियल अर्जेंसी फॉर देम टू एक्सपैंड इन नॉन सदर्न स्टेट्स, तो कोर स्टेट्स पे इनका फोकस होना चाहिए. एंड इस ये एग्रेशन थोड़ा कम दिखता है इन एक्सपैंडिंग टू अदर स्टेट्स इज व्हाट आई फील. देन कंपटीशन अगर चार्जअप होती है फ्रॉम SFBs एंड अदर NBFCs एंड वो भी अगर ऐसे सेगमेंट में टारगेट करते हैं तो इनके लिए एक एक कंपटीशन, इनका एज थोड़ा डगमगा सकता है. देन इसके अलावा जो एसेट क्वालिटी है, तब कोलैटरल बैक्ड है लोन वो सब है, बट अगेन अगर एसेट बेचनी पड़े तो अगेन देर इज अ TDS प्रोसेस टू गो थ्रू एंड मोस्टली आर्बिट्रेशन. अगेन देर इज अ लॉन्ग, मतलब एक जेस्टेशन पीरियड भी वहाँ पे लगता है, एक लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन लगता है फॉर रिकवरी, तो ये भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं. सो ऑल दीज आर रिस्क विच आई फील फाइव स्टार हैज. देन इसके बाद गाइडेंस की अगर हम बात करें, लास्टली गाइडेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोन बुक ग्रोथ कंपनी का टारगेट है, दे वॉन्ट टू ग्रो एट 30% प्लस क्या अगर इन नेक्स्ट 3 years. डिसबर्समेंट की जो ग्रोथ है that would be like disbursement growth rate would be 3-5% lower than the loan book growth. So roughly 27% के आसपास ये disbursement की growth देख रहे हैं. क्रेडिट कॉस्ट जो है लाइक प्रोविजनिंग एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल AUM, तो वो रफली मैक्सिमम 1% तक ये रखना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है इन FY25. कॉस्ट टू इनकम रेशियो आगे जाके दे आर टारगेटिंग टू कीप एट 35-37%. ब्रांच एक्सपेंशन एक्सपेक्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग टू एड 80-100 ब्रांचेस पर ईयर एंड नेक्स्ट 3-4 years में इनका टारगेट है 1000 ब्रांचेस तक लेके जाने का. करंटली दे हैव 520 ब्रांचेस, सो एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट यहाँ पे इन्होंने रखा है 1000 ब्रांचेस तक इनका लेके जाने का. नेक्स्ट 3 years में दे स्टिल रिमेन, मतलब इनका यही कहना है कि एज आई सेड कि 85% बुक जो है इनका तो वो सदर्न स्टेट से ही रहेगा, ऐसा इनका कहना है. तो दे विल कंटिन्यू टू बी अ साउथ डोमिनेटेड प्लेयर. एंड जो टारगेट ROA है इनका, तो वो रफली 6.5-7% तक ये देखना चाहते हैं विद इंक्रीजिंग लीवरेज. एंड ROEs ये देख रहे हैं एट 20% प्लस गोइंग फॉरवर्ड. करेंटली इनके ROEs रफली 16-17% के रेंज में इनके ROEs है. एंड जो NIMs है तो वो थोड़े टेपर डाउन कर सकते हैं बिकॉज अगेन दे आर डाइवर्सिफाइंग द बोरोइंग मिक्स, एज आई सेड कि बोरोइंग मिक्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम बैंक्स टू अदर एजेंसीज ऑल्सो, तो इसके चलते थोड़े NIMs में आगे जाके प्रेशर हो सकता है. सो दिस वॉज इट. आई होप आपको यह डिटेल एनालिसिस अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोज के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.